वेलकम बैक टू द पद्मा शो। हम लोग वापस पहुंच गए अपने फेवरेट सेगमेंट घरेलू नुस्खे में। कहते हैं कि किसी भी पार्टी में जाओ, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, देयर इज वन थिंग दैट अट्रैक्ट्स अ मैन, द बाल, द ब्यूटीफुल हेयर, द नरिश्ड हेयर, द हेल्थी हेयर। एनी गर्ल पासिंग बाय मेक्स अ मैन्स हेड टर्न इफ शी हैज ब्यूटीफुल हेयर। And today, that is the problem that we are going to address, because being in a place which has a lot of heat around the place, maintaining a healthy hair with a nourishing look is a challenge. And today again, we have with us Bhagya, jiske paas hazaaron sawal as usual honge. I think we should name her the question bank of the segment, because she's going to be asking us questions about how to maintain a proper hair. And I think maybe she has something else to ask. So let's quickly welcome her. Welcome Bhagya onto the show. चेहरे से दिख रहा थी, बहुत सारे बैकवर्क करके आई है मुझे परेशान करने के लिए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन पद्मा। एज यूजुअल बाल, ऑफ कोर्स नॉट ओनली मेन बट द वुमेन आर सो इन अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि एक दूसरे के बाल देख के यू नो वो जेलसी फील होती है, लाइक आई एम जेलस ऑफ योर हेयर टू। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप आपके बालों का ख्याल कैसे रखते हैं, हाउ डू यू नरिश देम, व्हाट डू यू ईट फॉर अ गुड एंड हेल्दी हेयर, लाइक पर्टिकुलरली एनी डाइट यू सजेस्ट फॉर मेरे दोस्तों के लिए, एंड फ्रीजी हेयर, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि दुबई क्लाइमेटिक कंडीशंस 50-55 डिग्री तक जाते हैं, इट्स वेरी ड्राई हॉट ओवर हियर, प्लस यू गो टू पार्लर, सो मच ऑफ ब्लो ड्राई, सो मच ऑफ आयनिंग ऑफ हेयर, दैट डैमेजेस द हेयर एंड मेक देम फ्रीजी। एग्जैक्टली। तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक फटाफट घरेलू नुस्खा जो फ्रीजी हेयर को हेल्प आउट करे। बिफोर वी गो इनटू एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अ फ्रीजी हेयर बगैर, लेट मी टेल यू कि हमेशा पीपल थिंक इफ यू हैव लॉन्ग हेयर यू नो यू हैव अ हेल्थी हेयर, दैट्स द मिथ एक्चुअली, क्योंकि छोटे से भी बाल हैं, द हेयर इज हेल्थी विदाउट हेयर फॉल, विथ नो डैंड्रफ एंड इट्स नरिश्ड, दैट्स वॉट वी शुड बी लुकिंग एट। ट्रू, जितना भी है दैट शुड बी इन द बेस्ट ऑफ इट्स जोन्स, राइट, दैट इज वॉट वी शुड बी लुकिंग एट। एंड यस, आजकल के ज़माने में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, यू नो एज यू सेड, ब्लो ड्राई, हॉट आयर्न्स, टोंग्स, ऑल बींग पुट ऑन आर हेयर, यू नो इट टेंड्स टू गेट फ्रिजी, इट ब्रेक्स अप द मॉलिक्यूल्स, देन आपका मैक्सिमम व्हाट द पीपल डू इज कट इट ऑफ, जहाँ जहाँ भी फ्रिजी होता है कट कर दो, बाल शॉर्ट होते जाता है, शॉर्ट होते जाता है, देन कम्स अ टाइम व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट एक्सटेंशंस। ट्रू, राइट, सो देन व्हाट हैपेंड टू योर रियल हेयर, इज इट रिवर्सिबल? यस, it's definitely reversible. Again, as I said, hit your parlor at home, your kitchen, and to maintain a healthy hair, non frizzy hair, and again as I said, agar humko sham ko ek party pe jana hai, or Jee. even if we have to go to office the next day where we are having a gathering, Jee. you know, simple cheez hai, aadhe ghante ka time hai, apne baal pe lagao the kind of mask that I'm going to be proposing today, half an hour keep it and give it a nice wash। और पता है पद्मा, जब फ्रीजी हेयर के बारे में मैं सोच रही थी, लाइक आई वाज सिटिंग एट होम और मैं सोच रही थी आज मैं पद्मा को क्या पूछूं, क्या परेशानी करूं, यस, तो मुझे एक दोस्त याद आई जिनको ये प्रॉब्लम है, जो यू नो लाइक द काइंड ऑफ हेयर शी हैज, ऑफ कोर्स वी ऑल वुमेन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर, तो दिस पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ माइन ऑलवेज फेसेस दिस प्रॉब्लम, और हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, फिर मैंने सोचा क्यों ना उसको मैं शो पे लेके आऊं एंड वी विल ट्राई इट ऑन हर, सो लेट्स वेलकम हर। डेफिनेटली डेफिनेटली, जस्ट कॉल हर एंड वी कैन डू द demo on her. Great. Hi. Come. Hi. That's my friend Preeti, and yeah. Preeti, hi. You must be knowing her, the famous Padma, and you're on the Padma show. We welcome you. Yes, I can see. I can see what you meant. मैंने कहा था. So Preeti, relax, because now I'll do something on your hair. बहुत छोटी सी चीजें हैं which you can find in your kitchen. So just watch how I'm doing it. The next time when you go out, you can use the same technique to look good. Your hair will look very pretty. Okay? Chalo Bhagya, abhi batao kitni cheeze hum log use karne wale hain ye segment mein? Honey, as I can read. Yes. And there's some oil in that other bottle. Okay. And the third bottle is also an oil. Okay. So I'll tell you what the oils are. The one that you see on your topmost corner is olive oil. Okay. The second one is coconut oil. If you know history, people with long, lustrous, thick hair, उनका एक ही चीज जो होता है कि coconut oil use करो। जी। Right? And what we have here is a virgin coconut oil. Okay? Honey. That's a myth. Generally saying, अब honey लगाओगे बाल सफेद हो जाएंगे।
It's actually a myth, as I said. Honey is actually a natural moisturizer. Alright. आप शैम्पू लेके उसके बाद मॉइस्चराइजर डालते हो. हनी इज योर नेचुरल मॉइस्चराइजर. सो दीज आर द ओनली थ्री थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू यूज एज अ हेयर मास्क टू ट्रीट द फ्रिजी हेयर. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम कैन वी श्योर हम लोग वी विल नॉट मिक्स ऑल द क्वांटिटीज टुगेदर क्योंकि क्या होता है इट स्टार्ट्स देन रिएक्टिंग विद ईच अदर. Okay. So, थोड़ा थोड़ा mix करके we will start applying. Like as you can see, she's got like long hair. Right. So we will mix it in small quantities and we'll start applying. जी. Okay. तो coconut oil ले लिया हमने, फिर honey. अगर आपने 2 चम्मच coconut oil लिया, take 2 चम्मच of honey, equal quantities. Okay. And you can see you'll have to mix it with your fingers. Oh. तो बागिया ये रेडी हो गया. देखो ये वाला कंसिस्टेंसी पे लेके आना है हमें. सो दैट इट्स इजी फॉर एप्लीकेशन. तो नाउ हम विल कीप दिस असाइड एंड वी हैव टू गेट हर हेयर प्रिपेयर्ड टू फॉर दिस एप्लीकेशन टू बी एक्सेप्टेड. यू रिमेंबर आई टोल्ड द थर्ड इंग्रेडिएंट ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल अगेन अ वर्जिन ऑलिव ऑयल. वर्जिन ऑलिव ऑयल. नाउ अगेन यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड अ नॉर्मल ऑलिव ऑयल, राइट? या. So this is the olive oil which we are going to be using for the roots because this is going to prepare the roots to take the burden of a coconut oil. इसीलिए हमने ये इसमें add नहीं किया. Exactly, right? So now you are going to help me apply it on her hair. Sure. Okay. तो बागिया सिर्फ इधर आना सवाल पूछना is not your only job. है ना audience? काम तो करना बनता है इसको. अभी तुम करोगे मसाज. And I'll tell you how to do it. Okay. Wow. Yeah. Olive oil. जी. Take the olive oil 2 fingers में. Okay. So हम लोग prepare करते हैं पूरे hair को. All the portions of the roots have to be covered with olive oil. अभी तो massage पूरा हो गया भाई गया. I think you've massaged her for some time now. The roots have been well prepared. Now let's do the mask. ठीक है? एंड आप लोग फॉलो कीजिए कि मास्क कैसे लगाते हैं बालों पे. दिस इज द प्रिपेयर्ड मास्क. ओके. ठीक है तो आप पकड़ो. जी. यू विल हैव टू टेक द हेयर लाइक दिस. ओके. और मास्क जो है यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम हियर एटलीस्ट 2 inches अवे फ्रॉम द रूट्स. ऑलराइट. ओके. देखो आप जैसे अप्लाई कर रहे हो यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ द हेयर थिकनिंग क्योंकि ये हनी बैठ रहा है बालों पे. जी. राइट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आप फ्रिजी हेयर का ट्रीटमेंट करते हो दिस इज द एजेस. द एजेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज वेयर योर फ्रिजीनेस एग्जैक्ट इज एक्चुअली सीन. तो फ्रिजेस को ऐसा अच्छा मसाज करो. तो ऐसा करके पूरे बाल को करके टाइट आप ऐसा बांध के रखो. जी. राइट. यू विल हैव टू क्लोज इट. 30 मिनट्स इज योर टाइम फ्रेम. टाइमिंग रख दो. उसके बाद जाके शैम्पू वॉश. नो नीड फॉर कंडीशनर बिकॉज कंडीशनर इज ऑलरेडी देयर इन योर हेयर. तो डू अ शैम्पू वॉश एंड देन यू विल सी हाउ इट्स गोइंग टू लुक. वन मोर क्वेश्चन. यस गो अहेड. नाउ जो टॉवल हम लोग यूज कर रहे हैं दैट कैन आल्सो बी अ वार्म टॉवल, राइट? इट कैन बी अ वार्म टॉवल बिकॉज इफ यू यूज अ वार्म टॉवल इट ओपन्स अप द पोर्स. एग्जैक्टली. So it opens up the pores and it gives you more cleanliness inside the hair from the roots. Absorb hoga wo jo oil mask hum log put. But it should be a warm towel. It should not be a hot towel. So now Preeti, I'm going to leave you with more of the mask. Okay? You're going to take rest for 30 minutes. You can watch TV, whatever you want to do. So jao. Right? Okay? Fir hum log wash karke, we will see how your hair is going to look. See Bhagya, we've washed the hair now. Okay? Wow. Touch the texture. Abhi tum comb karoge na? It's a little dry. Okay, थोड़ा ड्राई किया. नेचुरल ड्राई. नो हीट और नथिंग. राइट. सी आई कैन सी द कॉम थ्रू. देखो आराम से निकलता है एंड दे आर मच सॉफ्टर प्लस लुक एट द शाइन. एग्जैक्टली. द टेक्सचर हैज इंप्रूव्ड. या प्रीति इट्स वर्किंग. सी इट्स ब्यूटीफुल. यू डोंट इवन हैव टू गो टू द पार्लर. टच करके देखो. सी द एंड्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई टोल्ड यू नो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंड्स. अगर आप देखोगे यू कैन सी द You know the healthiness has come back. Wow. This is on one sitting. So Bhagya, think agar ek sitting mein aisa tumhe result mil raha hai. So
socho agar if you are going to have this as a regular habit. Wow. हमारे बाल कैसे लगेंगे? Of course, प्रीति के बाल तो उसको बार बार थैंक यू बोलेंगे फॉर दिस ट्रीटमेंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रीति आई थैंक यू पद्मा. आपने मेरे सारे क्वेरीज रिगार्डिंग टू फ्रिजी हेयर सॉर्ट आउट किए और मैं जानती हूँ हमारे दोस्तों को भी बहुत हेल्प मिली है. Definitely, and you know, you don't have a constraint to use this solution because aap isko hafte mein 3 baar use kar sakte ho bina kuch side effects ke, because this is completely natural and is going to give you a permanent finish to your hair. So I'll catch you soon next week with another interesting episode of Healthy Living, Healthy Cooking and Ghareli Nuska.